हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भटूरे की रेसिपी। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे भटूरे फूलते क्यों नहीं हैं, तो चलिए जानते हैं हम फूले फूले भटूरे कैसे बनाएं। पहले मैं आप लोगों को एक भटूरा तल के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें एक भटूरा डाल दिया और इसे मैं कैसे फटाफट से फुलाती हूँ। ये देखिए, अब बस फूलने वाला है, एकदम गोलगप्पे की तरह गोल मटोल हो जाएगा ये हमारा भटूरा। ये तल गया देखिए हमारा। फ्रेंड्स, भटूरा बनाने के लिए जो चाहिए हमें सामग्री वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये मैदा लिया है मैंने, ये 3 पाव मैदा लिया है मैंने, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिया है। ये आधी कटोरी मैंने दही ले लिया है, 1 कटोरी सूजी ली है मैंने बारीक वाली, और 1 चम्मच नमक, चुटकी भर सोडा लिया खाना सोडा, और ये ऑयल लिया है 2 चम्मच। सबसे पहले हम सोडा डाल देंगे मैदे के अंदर, नमक डाल देंगे और सूजी डाल देंगे। इन सभी सूखी चीज़ों को डाल देंगे और फिर हम अपने मैदे को मिलाएंगे ठीक से। भटूरे फूलने के लिए मेन चीज़ होती है उसके सामग्री, क्या हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। और इसको हमने मिला लिया है। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे, सॉरी ऑयल डालेंगे पहले, और थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा भी लिया है, और इसमें अब दही डाल देंगे हम। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, दही मैदा और ऑयल को, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंद लेंगे, मैदे को डो रेडी करेंगे इसका। पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है इसमें, और इसका मैदे का डो हमें हार्ड नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट बनाएंगे। और ढीला भी हो जाए थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भटूरे खास तौर से ज़्यादातर ढीले मैदे के ही बनते हैं, एकदम सॉफ्ट होता है इसका मैदा। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने मैदे में सूजी क्यों मिलाई है। सूजी मिलाने से भटूरे क्रिस्पी बनते हैं थोड़े से, और टेस्ट भी अच्छा आता है करारेपन वाला। अब ये हमारा डो रेडी हो गया है भटूरों का। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा रख दूंगी, 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। और जो मैंने कटोरी में थोड़ा सा ऑयल भिजा के रखा था उसको ऊपर से लगा देंगे हम। ये ऑयल हम चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से, और इसको हम ढक देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे इसको। 2 घंटे हो चुके हैं, अपने मैदे को चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, थोड़ा सा फूल भी गया है हमारा मैदा, और इसको हम थोड़ा सा मसल भी लेंगे मैदे को, ज़्यादा नहीं मसलेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही इसको मसलेंगे हम। और ये अब रेडी है हमारा मैदा भटूरे बनाने के लिए। भटूरे तलने से पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा ही डालना है कढ़ाई में, कम ऑयल में भटूरे ठीक से तलते नहीं हैं। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम भटूरे रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 पेड़े तोड़ेंगे बड़े बड़े, ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा छोटा नहीं और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 2 पेड़े बना के दिखाती हूँ अभी पहले मैं आपको। ये देखिए, 2 पेड़े रेडी हो गए हैं हमारे। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और इससे हम पूरे मैदे पे लगा देंगे, क्योंकि ऑयल लगाने से मैदे पर पापड़ी नहीं होगी, सूखेगा नहीं। अब मैंने एक लोई उठा ली है, एक पेड़ा उठा लिया और हाथों पे ऑयल लगा लिया है, क्योंकि मैं हाथों से बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ये 2-3 हाथ मारे हैं और ये हमारा भटूरा रेडी हो गया है। आप चाहें तो बेलन से बना सकते हैं, मेरे को हाथों से बनाने में कम्फर्टेबल रहता है और मैं हाथों से ही बनाती हूँ भटूरा। ये एक भटूरा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल हमारा एकदम से गर्म हो गया है, और ये चल झरझरी से हम ये कोने से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते रहेंगे, और इसी तरीके से हमारा ये भटूरा बिल्कुल एकदम से फूल जाएगा। और गर्म ऑयल इसके ऊपर डालते रहना चाहिए, इससे ही जल्दी और जल्दी फूलता है हमारा भटूरा। ये देखिए इस तरीके से, और ये एकदम से फूल कर रेडी हो गया है। देखिए, एक तरफ से तल गया हमारा भटूरा, और ये मैंने इसको पलट दिया है, और दूसरी तरफ से भी हम इसको तल लेंगे भटूरे को।
इसको भटूरे को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आधा मिनट या एक मिनट के करीब लगता है। और उसको अब हम फटाफट से निकाल लेंगे कढ़ाई में से भटूरे को। इसी तरीके से अब मैं दूसरा भटूरा बना के दिखाती हूँ, एक बार और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम हाथों से भटूरा बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने पेड़ा ले लिया और फिर से मैंने हाथ मारे इस पर मैदे की पेड़े पर, और ये हमारा दूसरा भटूरा भी रेडी हो गया है। ये देखिए आप लोग, तो इसे हम फिर से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। दूसरा भटूरा भी डाल रही हूँ कढ़ाई में, एक बार और देख लीजिए आप। ये देखिए, इस तरीके से कोने से इसके ऊपर ऑयल डालते हुए और इसको दबाते हुए ये हमारा भटूरा एकदम से रेडी हो गया। ये देखो फटाफट से फूल गया है और ये तैयार भी है। अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। भटूरे को ज़्यादा देर नहीं सेकना होता है, ये फटाफट से रेडी हो जाता है। छोले के साथ सर्व करने के लिए हमारे भटूरे एकदम से रेडी हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।